हेलो स्टूडेंट्स, हाँ सो सर, शुरू करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। सो इतना लेट आए आप लोग लास्ट क्लास। सर वो फिजिक्स क्लास चल रहा था। हाँ, ये समझ गया मैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7, बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। If at least one digit is repeated, if at least one digit is repeated, if at least one digit is repeated, बताएं तो क्या होगा इसका? सर 7 to the power 7 minus 7 factorial, व्हाट से? हाँ, सर 7 to the power 7 minus 7 factorial। पूरा आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा क्या? हाउ ओ मेनी ना 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 सर, सॉरी, 4 digit ना। सर वो 7 to the power 4 minus 7 into 6 into 5 into 4। राइट। सबसे पहले मेरे को फोर डिजिट नंबर बताने हैं, तो इसमें 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 में से कुछ भी प्लेस करोगे तो 7 चांसेस हैं, 7 वेज हैं इसको फिल करने के। सिमिलरली 7 वेज हैं इसको फिल करने के, इसको फिल करने के, जब रिपीटेशन अलाउड हो और सब कुछ हो, तो टोटल नंबर्स फोर डिजिट के कितने बन जाएंगे? अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 से को यूज करके फोर डिजिट के नंबर बनाए तो टोटल नंबर बन जाएंगे 7 to the 4। कोई डाउट नहीं है। अब इसमें से हम वो नंबर माइनस करेंगे जिसमें कुछ भी रिपीटेड नहीं है, जिसमें एक भी डिजिट रिपीटेड नहीं है, वो हम अगर माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो बचेगा उसमें डिजिट रिपीटेड होंगे। कम से कम एक तो होगा ना, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चारों डिजिट रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन आस्क कि एटलीस्ट वन डिजिट रिपीट हो, यानी कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा हो उस चीज को माइनस कर दीजिए, तो जो भी बचेगा उसमें कोई ना कोई रिपीट होगा ही होगा। सो हम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड आंसर इज दिस, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो क्या हो जाएगा आंसर? इसको 7, ये 6, ये 5 और ये 4 वे से इसको 5 4 वे से इसको फिल कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं 7P4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 पे पावर 4 माइनस 7P4। अब यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे उनमें कम से कम एक डिजिट तो रिपीट होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर, अरेंज एन नंबर इन आर प्लेसेस वेयर एन इज लेस देन आर। यही होता है ना NPR। हाँ, अरेंज 7 नंबर इनटू 4 प्लेसेस वेयर 4 इज लेस देन 7, यही तो है NPR। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं तब से। सर एन इज लेस देन आर, एन इज लेस देन आर। हाँ तो जब ऐसे 4
फोर नंबर को सेवन प्लेस में कैसे अरेंज करोगे? तो फिर रिपीट करके कर सकते हैं, रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन नहीं गिवन है तो कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे? फोर नंबर को ही करना है सेवन प्लेस पे, तो फोर 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 पे पावर सेवन आंसर होगा। सर रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बन सकता ना। चार नंबर को सेवन प्लेस पे अरेंज करो, कहां से क्वेश्चन बन रहा है सोचो। जैसे ही हम चार प्लेस को फिल करेंगे बाकी का तीन प्लेस खाली रह जाएगा, रिपीट नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। और सर बाकी का तीन प्लेस और कुछ नंबर से फिल कर सकते हैं पर वो दो प्लेस, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे बोल सकते हैं? आपने ही कहा ना कि अरेंज फोर नंबर्स, आपने पहले ही बोला अरेंज फोर नंबर्स एट सेवन प्लेसेस, तो फिर बाकी के नंबर कहाँ से आ गए? फिर तो फोर नंबर आप लिखो ही मत। अच्छा सर काम मिल गई है। हाँ नहीं सर ऐसे ही सोच रहा था सर, फोर नंबर अगर इक्वल हो और थ्री नंबर अन इक्वल हो तो कैसे हो सकता है? फोर नंबर इक्वल होने का क्या मतलब है? सबके सब एक ही डिजिट है, सबके सब टू 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 है। हाँ तो सीधा बोलो ना, एक नंबर को चार बार लिया गया है, यानी कि आपको सेवन डिजिट का नंबर बनाना है और आपको दो डिजिट यूज करना है टू एंड थ्री, तो ऐसे तो कर ही सकते हैं। हाँ, टू हाँ, को हाँ. चार बार पांच बार ले लेंगे, थ्री को दो बार ले लेंगे, टू को दो बार ले लेंगे, थ्री को पांच बार ले लेंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। सबको प्लेस फिल करने के दो दो तरीके होंगे, तो टू के पावर सेवन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एनपीआर जब भी हम यूज करते हैं तो एन की वैल्यू ज्यादा होती है, यानी कि आर प्लेसेस में एन डिजिट को अरेंज किया जा सकता है, एन प्लेसेस में आर डिजिट को अरेंज नहीं किया जा सकता है, उसके लिए आर को एन से बड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो रिपीटेशन वाली बात है ये, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। इसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोचने के लिए और भी चीजें मिलेगा, क्वेश्चन के थ्रू आप सोचो, वहां पे दिमाग लगाओ, वो बेहतर है। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेड विद द हेल्प ऑफ लेटर इन द वर्ड सलून, बताइए। हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन मेड विद द लेटर्स इन वर्ड सलून? सर कितने डिजिट का? एक फैक्टोरियल या टू फैक्टोरियल? हाउ मेनी लेटर्स यू, हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन मेड विद द हेल्प ऑफ लेटर्स इन द वर्ड सलून? सिक्स फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल। सिक्स फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। Of the word mathematics, which starts with consonants only, which starts with consonant only. Which starts with consonant only. सर सेवन इंटू टेन फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल? नो, और सोचो।
रुक जाइएगा सर थोड़ा। सर जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा सर, नाइन स्क्वायर इंटू टेन इंटू एट इंटू सेवन बाई टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल। पक्का? पक्का। देखते हैं, गलत है, उसको ठीक करो। आइए देखते हैं मैथमेटिक्स में, पहले एनालाइज करें कि कौन कौन से लेटर हैं। और सर 11 × 10 × 9 × 8 × 9 बाय सर 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। अच्छा मेरा देख लो, ये m है हमारा, m कितनी बार है? दो बार है। a कितनी बार है? a भी दो बार है। और बताओ जो रिपीटेड है वो की, और कौन सा है जो रिपीटेड है? टी दो बार है। टी दो बार है और सब एक एक बार है, बाकी सब एक एक बार है। तो हम क्या क्या देखें फिर? एच ई फिर आई सी एस, टोटल 11 लेटर हो गए। और हमारे पास एम एम का सेट है, ए का सेट है और टी टी का सेट है। और बोला जा रहा है कि कॉन्सोनेंट से ये स्टार्ट होगा, मतलब ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, ई से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। सपोज करो इन पांचों में से हम किसी से स्टार्ट करते हैं, ये जो पांच लेटर है ना हमारे पास जो अकेला ही है, तो इसमें से हम एक तो आई से स्टार्ट कर ही नहीं सकते, तो हम ई से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करें किस किस से? एच से, सी से, एस से। सपोज करो हम इन तीनों से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस को फिल करने के मैथमेटिक्स में पहला लेटर कौन सा होगा? यही तीनों में से कोई होगा। बाकी जो बच गए वो कितने लेटर बच गए? 10 लेटर्स बच गए। 10 लेटर्स में कौन कौन से अवेलेबल हैं ये ध्यान दो आप। 10 लेटर्स में एम डबल है, ए डबल है, टी डबल है और बाकी सब सिंगल 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 है। तो टोटल 10 लेटर में 10 लेटर्स को अरेंज करना है, जिसमें एक डबल है, मतलब एम रिपीटेड है, ए भी रिपीटेड है और टी भी रिपीटेड है दो बार। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, अरेंजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स इन विच 2 आर ऑफ वन टाइप, अनदर 2 आर ऑफ अनदर वन टाइप एंड अनदर 2 ऑफ आर वन टाइप। मतलब एम, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। अरेंजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स इन विच 2 थिंग्स आर अलाइक, ठीक है, पी ऑब्जेक्ट्स आर सेम टाइप, ऐसे करके। तो यही है, जैसे सलून का आपने किया, कैसे किया? फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 बिकॉज ओ दो बार था। तो यहाँ पे क्या होगा? फैक्टोरियल 10 बाई एम के लिए, ए के लिए और टी के लिए। अगर आप इन तीनों से स्टार्ट करते हो, एच आई सी एस, एच सी एस से अगर स्टार्ट करते हो तो ये आंसर होगा। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करना है सर, कॉन्सोनेंट तो 7 है ना? हाँ, बट अभी हमने वो लिया जो सिंगल सिंगल था, अब जो डबल डबल है उसको लेते हैं, यानी कि एम ए टी, इनमें से अगर आप कॉन्सोनेंट सुनोगे और वहां से अगर वो स्टार्ट करोगे तो क्या क्या ले सकते हो आप? या तो एम लोगे या तो टी लोगे, ठीक है। तो इनमें से अगर आप कोई ले लेते हो तो आपके पास कितने चॉइसेस हैं? 2। जो रिपीटेड है उनमें से आप ले लो अगर, तो कितने चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं। तो अगर आप ये 2 ले लेते हो तो आपके पास फिर से 10 लेटर बचते हैं। उस 10 लेटर में फैक्टोरियल 10 तो पहले लिख दोगे आप, इनमें से एक लिया जा चुका है, यानी कि ये जो डबल था या ये डबल था वो तो अब नहीं रहा, वो हमारे पास जो 10 लेटर है उसमें आप वो एक ही है। सपोज आपने एम लिया या टी लिया, अगर आपने एम लिया तो अब तो जो 10 लेटर बचे उसमें एक ही एम है ना,
और बाकी दो चीजें डबल हैं, लेकिन एम तो एक ही रहा, तो फैक्टोरियल 10 बाई रिपीट कितनी बार हो रहा है, सिर्फ दो बार ही तो हो रहा है। अगर एम लिया आपने तो ए और टी रिपीट हो रहा है, और आपने टी लिया तो ए और एम रिपीट हो रहा है, तो एक ये है। अगर इनमें से कोई कॉन्सोनेंट लोगे तो ये 10 लेटर इस तरीके से अरेंज होंगे, और उनमें से लोगे तो वो बाकी के 10 लेटर इससे अरेंज होंगे। और कोई केस है क्या, अगर आप कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करो तो? आपने सारा केस ले लिया या कुछ बाकी भी है? इफ यू स्टार्ट विद दिस, अगर आप इनसे स्टार्ट करो, टोटल आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 कॉन्सोनेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उनमें से अगर इनसे लिया तो उनको साथ लेके चलेंगे तो नहीं, यही आंसर है, इनको ऐड कर दो, नोट कर लो, समझ लो। आगे बढ़े? हाँ सर। ओके, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ 7 लेटर वर्ड्स that can be formed, find the number of 7 letter words that can be formed by using the letters of the word by using the letters of the word success, SUCCESS, so that spelling sir please, SUCCESS, so that find the number of 7 letter words that can be formed by using the letters of the word success, so that the two C are together, but no two S are together. मतलब सर, जो C है वो साथ रहेंगे और जो S है वो अलग अलग रहेंगे। एस अलग एक साथ नहीं रह सकते, वर्ड जब बनाएंगे तो उसमें एस को साथ नहीं रखना। कितने एस है उसमें? 3 एस एस है। सर 2 × 4 × -3 नहीं,
देखिए आपके पास जो वर्ड है वो है सक्सेस, SUCCESS, तो आपके पास एस थ्री टाइम्स है एंड सी टू टाइम्स है। बोला जा रहा है कि सी हमेशा साथ रहेगा, तो आप दोनों सी को एक ही मान लो, ये दोनों एक पैकेट में बंद हैं। फिर आपके पास कितने वर्ड्स हो गए, कितने लेटर हो गए, यू हो गए और ई हो गया और ये हो गया। जिस पे कंडीशन है उसको हम बाद में देखेंगे और जिस पे कंडीशन नहीं है उस पे पहले वर्क करेंगे। तो अगर मैं आपको थ्री लेटर्स देता हूँ, बोलते इनको बैठा दो, तो बैठा दोगे इनको, बोलोगे सर फैक्टोरियल थ्री वेज है बैठाने की, एक दो तीन बैठा दिया, बोलोगे सर इसके अंदर ये अरेंज करेगा तो, हाँ करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सी इधर आ जाए और ये इधर आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अगर अंदर अंदर दो अलग अलग चीजें होती तो फर्क पड़ता, अंदर अगर एक वन और एक सी टू होता तो फर्क पड़ता, बट ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सी एक ही है, तो अंदर का अरेंजमेंट के लिए हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थ्री लेटर्स हैं, तीनों को अरेंज करने के तरीके हैं, आप इधर उधर एक्सचेंज करके अरेंज करते रहो। अब जो बच्चे इनको हमेशा गैप में रखेंगे, जैसे हमने देखा था कि नो टू बॉयज आर टुगेदर, तो हम पहले गर्ल्स को बिठा देते थे, उसके बाद देखते थे कि बॉयज के लिए कितने प्लेसेस बचे हैं और उसी में हम बॉयज को बिठाते थे। वैसे यहाँ पे बॉयज के लिए कितने प्लेसेस बचे हैं, यानी कि एस के लिए कितने प्लेसेस बचे हैं, एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, एक ये, यहाँ पे आप एस को बिठा सकते हो, तो आप फोर वैकेंट प्लेसेस यहाँ पे आप एस को रख सकते हो, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि किसी भी एस को साथ नहीं रखना। तो हम तीन को बिठा देंगे, उसके बाद आपके पास फोर प्लेसेस बच जाएंगे, इन तीनों को बिठाने के बाद या इन चारों को बिठाने के बाद, फिर जो फोर प्लेसेस बचेंगे वहां पे आपको एस को रखना है। तो एस के लिए यानी कोई भी तीन ऑब्जेक्ट को आपको चार प्लेस पे अरेंज करना है, तो क्या होगा आंसर, 4P3। ठीक है, 4P3, लेकिन यहाँ एस रिपीटेड है तो यहाँ फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप सब नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कितने तरीके होंगे, या तो ये तीन ले लो, 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 समझ पा रहे हो आप, यही चार तरीके होंगे। तो 4P3 बाई फैक्टोरियल 3 से भी वही आएगा, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 और फिर फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये 4 ही आ जाएगा बाद में। कोशिश करो लिखो, फिर मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। सर अगर ऐसे करे कि वो दो सी को एक ही मान लिए और एस 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 को अलग मान लिए, तो वैसे हम डिजिट तैयार कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल, तो उससे अगर एस 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 माइनस कर दे तो एस 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 कोई भी टू साथ नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा भी हो गया तो ये भी नहीं चलेगा, तो कैसे माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे। फैक्टोरियल 5 तरीके से आपने वो वर्ड बना लिया, उसमें हर तरीके का एस है, दो एस भी साथ है, तीन एस भी साथ है, सारे सब है, सब तरह की चीजें हैं, तो इसमें आप क्या माइनस करोगे, दो एस साथ है वो माइनस करोगे या थ्री एस साथ है उसको माइनस करोगे, कैसे कैसे माइनस करोगे। एक बार आपको लेना पड़ेगा टू एस आर टूगेदर, फिर लेना पड़ेगा थ्री एस आर टूगेदर, और उससे कितने नंबर बन रहे हैं, इससे कितने नंबर है, उनको माइनस करना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है जो मैंने बताया है कि जिस पे कंडीशन है उसको बाद में डालो, ऐसे कंफ्यूजन बढ़ेगा। जरूरी है आप अभी मैथ अभी सॉल्व कर रहे हो तो आपका एक अप्रोच होगा और वो गलत होगा, बार बार गलत होगा, लेकिन आप सही अप्रोच को ही पकड़ो। अप्रोच पकड़ लिया, इस पे सोचना है, वो ऐसे ही सोचते हैं, मतलब ऐसे नहीं सोचते, तो इसी पे आप आगे आपसे पूछा जाएगा, इसी पे मैनिपुलेशन किया जाएगा। तो जो सही तरीका है आपका सलूशन बता देंगे, जब भी जिस पे कंडीशन होता है हम उसको बाद में प्लेस करते हैं, पहला चीज
था उसको पहले प्लेस करते, जब भी वो बोले कि नो टू बॉयज आर टुगेदर तो हम पहले गर्ल्स को प्लेस करेंगे, बॉयज के लिए जगह बनाएंगे और फिर बॉयज को प्लेस करेंगे, जिस पे कंडीशन हो उसको हम बाद में यूज करते हैं। तो यहाँ पे एस पे कंडीशन है कि कोई भी तीन एस साथ नहीं हो, दो सी साथ हो उसके लिए तो काफी आसान है, फैक्टोरियल फाइव आपने तुरंत बता दिया, लेकिन साथ में उसने डाल दिया तीन एस साथ नहीं होने चाहिए, तो दो सी साथ होने के लिए हमने ये उसको तीन कैटेगरी में बांट दिया, तो ये एक दो तीन लेटर बन लिया। तीनों लेटर को प्लेस करने के फैक्टोरियल थ्री तरीके होंगे, कभी ई यहाँ पे, कभी यू यहाँ पे, कभी सी डबल सी यहाँ पे, ऐसे कर करके छह तरीके से आपस में अरेंज होंगे, तो इनके बीच में आपको एस को बिठा देना है बस। तो इनके बीच में आपके पास टोटल चार प्लेस क्रिएट हो रहे हैं, तो इन चार प्लेस में आपको तीन एस बिठाने हैं, ठीक है। तो चार में से तीन प्लेस का सिलेक्शन करना है, तो फोर सी थ्री एक अच्छा तरीका, मतलब सी मैंने आपको बताया नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको बिठाने के। या तो ये तीन एस को ऐसे डाल दोगे यहाँ पे, या तो ये तीन एस डाल दोगे इसको हटा दोगे, या तो यहाँ से इसको हटा दोगे, या तो यहाँ से इसको हटा दोगे, तो चार तरीके बन रहे हैं आपके। हाँ सर, अब अच्छी तरह समझ आया। हाँ ठीक है, इस चीज को मैं फिर बताऊंगा, ये चीज जो भी आया है वो फिर आएगा आपके सामने, सो डोंट वरी फॉर दैट। देखिए, द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज्ड, अब ये सब आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो। अरेंज एक वर्ड मैंने आपको दे दिया, अरेंज नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज सो दैट नो टू आर्स The two R's are never together. The two R's are never together. बताइए, टू आर्स आर नेवर टुगेदर सर, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 6 पी 2। सबसे पहले तो आप सारे वर्ड्स को अरेंज कर दीजिए, तो कितने लेटर है इसमें, 7 लेटर्स हैं। जब भी ऐसा बोला जाए कि टू आर्स आर नेवर टुगेदर तो आप उनको टुगेदर ले लीजिए और कितने नंबर बन रहे हैं वो कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आप बोलोगे सर प्लेस करने वाली बात भी तो कर सकते हैं। हाँ वो बात भी ठीक है, तो आर पे कंडीशन है तो बाकी चीजों को प्लेस कर दो। देखो आर पे कंडीशन है ना तो बाकी चीजों को प्लेस कर दो, वो कौन कौन सी चीजें हैं, ए ए एन जी ई, इनको प्लेस कर दो। आर पे कंडीशन है, टू आर साथ नहीं होने चाहिए सर, दोनों जो निकाल लेंगे सर, दोनों को जोड़ेंगे ना सर। नहीं मैं सुन लो कि हमारे पास ये दो आर निकाल लिया मैंने, बाकी के 5 लेटर्स बचे, इनको अरेंज करने के कितने तरीके, जस्ट जैसे पहले किया उसी तरह इसको कॉपी करो। 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, बहुत अच्छा। अब
इसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको दो आर प्लेस करने तो हैं। दो आर कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 छह में कहीं भी आप प्लेस कर सकते हो। तो हमें छह में से कोई भी दो मतलब चुनना है, सिर्फ दो प्लेस चुनना है। तो ये चुन लो, ये दोनों चुन लो, या तो ये दोनों चुन लो, या तो ये चुन लो और ये चुन लो, या तो ये और ये, कुछ भी कोई भी दो ले सकते हैं। तो छह में से दो चुनने के तरीके 6C2 होते हैं। मैंने अभी C2 बताया नहीं है, इसलिए मैं कैसे बताऊं इसको। मैं सर वही पूछ रहा था पहले, तो सर पहले पूछते हैं। या तो ऐसे कर सकते हैं कि आप छह में से दो को, जैसे छह प्लेस में दो को अरेंज करोगे तो 6P2 करोगे आप, मतलब दो चीजों को छह प्लेस पे कैसे अरेंज करेंगे? कभी ये दोनों, कभी ये दोनों, कभी ये दोनों, कभी ये दोनों, ऐसे 6P2 है। फिर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आप सिर्फ ये समझो 6P2। अभी थोड़ी देर बाद ही मैं आपको कॉम्बिनेशन का बताऊंगा तरीका। सर दोनों को जोड़ेंगे या सर घटाएंगे? सर जोड़ेंगे ही ना सर। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन का क्या तरीका होता है, 6C2 क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है। तो आपको सिर्फ बॉन्ड म्यूट करो आप कि दो प्लेस चुनने हैं, तो वो आपका 6C2 तरीका हो गया, बस ये आंसर हो गया। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप आर को टुगेदर मान लो सबसे पहले। तो आर को टुगेदर मान के आप कितने लेटर, कितने वर्ड बनाओगे आप? ये डबल आर है, यहाँ पे ए है, फिर ए है, फिर एन है, जी है और ई है। तो टोटल लेटर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान लेंगे। डबल आर को एक मान लिया तो बाकी बच गए 5, तो 6 फैक्टोरियल ऑब्जेक्ट हो गए टोटल। उसमें से ए डबल डबल है, 5 2 फैक्टोरियल। तो मैंने एक मान लिया, इसलिए हम इसका फैक्टोरियल 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। आर को एक ब्लैक बॉक्स के अंदर रख दिया, उसके अंदर क्या मैं नहीं पता, ये आर साथ ही जाएगा जहां भी जाएगा। सो जब दो आर साथ हो तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2, जब दो आर साथ हो। और जब कोई भी कंडीशन नहीं हो तो कितने लेटर्स बनेंगे? फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2। यहाँ पे ए भी डबल है और आर भी डबल है। जब कोई भी कंडीशन नहीं हो, आर पे कुछ भी नहीं हो, तो इतने वर्ड्स बन जाएंगे। और जब आर साथ हो तो इतने वर्ड्स बन जाएंगे। तो वो बोला, बोल रहा है आर में जितने, जब भी आर साथ होंगे तो इतने ही वर्ड बनेंगे। यानी कि अगर इसमें से हम इसको माइनस कर दें तो जितने भी साथ वाले आर थे वो सब सब्ट्रैक्ट हो गया और आंसर आ गया। जितने भी सब साथ वाले आर वाले केस थे वो सब माइनस हो गया। क्लियर है? ये चाहिए था। हाँ सर, ये और ये दोनों आंसर सेम आना चाहिए। हाँ, ये दोनों सेम आना चाहिए। तो एक बार सेम आना चाहिए, बिल्कुल करते हैं एक बार। 3, 4, 5, 6 × 5, 1 × 2। तो यहाँ से 2, 3 × 2, 2 × 4, 5 × 2, 10, 18, 90। ये 10 हो गया, फिर 18, 18 × 5 = 90। सो 900 आंसर यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 कॉमन निकाल लो सब में से। ये रह गया 7/2 - 1, तो ये हो गया फैक्टोरियल 6/2। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 120 × 6 = 720 / 2 × 7 - 2, यानी कि 5/2। तो यहाँ 8 से 4 से कैंसिल करेंगे तो 18 आएगा। देखो सेम आ रहा है, देखो। हाँ, तो 900 यहाँ भी आ रहा है, 900 सही है। ठीक है, अरेंज का एक पार्ट हुआ, अभी और भी पार्ट है। ये समझ में आ गया अच्छे से तो आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, नेक्स्ट लिखिए। मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग लिखना मत, पूरा सुन लो। द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज सो दैट No two R's, the two R's are never together. ये हो गया। फिर second लिखो, the two A's are together but not two R's.
the two A are together, but not two R. The two A are together, but not two R. सर फोर फैक्टोरियल माइनस फाइव पी टू नहीं सिक्स फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल माइनस फाइव फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल बाई क्या टू फैक्टोरियल माइनस फाइव फैक्टोरियल हाँ हाँ ठीक है नेक्स्ट लिख लो द टू आर्स आर नेवर टुगेदर हो गया फर्स्ट द टू एज आर टुगेदर बट नॉट टू आर्स और थर्ड लिखो Neither two A's nor two R's are together. Neither two A's nor two R's are together. जैसे ये क्वेश्चन करते हैं टू एज आर टुगेदर बट नॉट टू आर्स सबसे पहले जब ए टुगेदर होंगे तो हम ए को एक लेटर मान लेंगे और बाकी बचे अरेंज ये आर डबल है और बाकी के लेटर है तो जब ये आर को कोई कंडीशन नहीं हो सिर्फ डबल ए साथ में हो तो टोटल लेटर्स कितने बन रहे हैं आपके सिक्स टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे फैक्टोरियल सिक्स और फैक्टोरियल टू व्हेन टू एज आर टुगेदर
और इसमें से अगर हम r टुगेदर वाले को माइनस कर दें तो अब ये सोचो कि r टुगेदर कैसे हो सकता है, ये तो पहले से ही है, इन दोनों को साथ ले आओ तो अब जो आपके पास बचेगा एक और बॉक्स बन गया जिसमें r और r हमेशा साथ रहेगा, तो टोटल लेटर्स अब कितने बचेंगे 3, 4, 5, अब से फैक्टोरियल 5 वर्ड्स बनेंगे जिसमें r भी टुगेदर होंगे, तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच r आर ऑल्सो टूगेदर, वो बनेंगे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 ऐसे वर्ड बनेंगे जिसमें r भी साथ में हो, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड जिसमें r साथ में नहीं हो तो हम क्या करेंगे, जिसमें r साथ है उसको माइनस कर देंगे, तो r कितने में साथ है फैक्टोरियल 5 में, इसको माइनस कर देंगे किसमें से, जिसमें a साथ में है, तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 5, ये होता है 720 बाय 2, 360 माइनस फैक्टोरियल 5 यानी कि 120, ये कितना हो गया 240 आंसर हो गया। इसमें क्या है ए और आर, ए टुगेदर है और आर टुगेदर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीदर 2a नॉर r सब टुगेदर, हां ना तो a साथ में हो ना r साथ में हो, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे अरेंज को लेके जिसमें कोई कंडीशन नहीं, फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल ये बनेगा, तो ये होगा 7 × 720, मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिख रहा हूँ, ये हो गया 4, तो ये 7 × ये बन गया था हमारा, या फिर ऐसे ही रहने दो, 7 × 2 × 2, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें से हम उन सारे वर्ड्स को अगर माइनस कर दें जिसमें ए और आर दोनों साथ में है तो हमारे पास वो सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें ना तो ए साथ में है ना तो आर साथ में, तो जब ए और आर साथ में है ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, यही तो है फैक्टोरियल 5, आप ही सोचो ना, जिसमें ए और आर दोनों साथ हो, ये भी बॉक्स के अंदर बंद, ये भी बॉक्स के अंदर बंद, और बचा एन जी ई, तो टोटल 5 ही तो बने अभी, तो इनको अरेंज करने कितने तरीके, फैक्टोरियल 5 120, इसमें ए और आर दोनों साथ में है, हमेशा साथ साथ में, तो इसको अगर माइनस कर दिया जाए टोटल नंबर ऑफ वर्ड से तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है, यानी कि हम फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2 में से 120 माइनस कर देंगे तो हमारे उन सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें ना तो आर साथ में है ना तो ए साथ में है, एक सेकेंड एक बार और सोचो, आपने जो 120 माइनस किया है वो सारे वर्ड्स वो है जिसमें दोनों साथ में नहीं है ना तो ए ना तो आर, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड बनेंगे जिसमें सिर्फ ए साथ में हो और आर साथ में नहीं हो, वो भी माइनस करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड बनेंगे जिसमें आर साथ में हो लेकिन ए साथ में नहीं हो, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों में से कोई भी साथ नहीं होना चाहिए तो वो भी माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आपको वो चीज भी ढूंढना पड़ेगा जिसमें सिर्फ ए साथ में हो, तो सिर्फ ए साथ में हो ऐसे कितने तरीके मिले थे आपको, 240 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 240 नहीं, एक सेकंड ध्यान से, हाँ जिसमें सिर्फ ए साथ में हो ये होगा फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2, और जिसमें सिर्फ आर साथ में हो उसमें भी यही होगा, मतलब ए साथ में हो और आर साथ में नहीं हो, आर साथ में हो और ए साथ में नहीं हो, तो ऐसे कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 और प्लस फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस होना चाहिए 2 इनटू 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा ना, यानी कि फैक्टोरियल 6 माइनस करो आप इसमें सीधा, तो ये 720 120 देखो करके कितना आ रहा है, फैक्टर 4 2 8 बहुत कम वर्ड मिल रहे हैं क्या, 720 में 120 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 840 में से यहाँ पे ये माइनस करना है आपको 18 7 का कितना होता है
126 नहीं 187 का कितना होता था? हाँ 1260 में से ये माइनस करो 24 420 आ रहा है। नोट करो इसको, जिसमें ना तो ये साथ में हो ना तो वो साथ में हो। अच्छा नोट करो, ऐसा कुछ गड़बड़ होगा मैं बता दूंगा। हम लोग कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, कॉम्बिनेशन क्या होता है वो कॉन्सेप्ट बता के मैं आज आपको विदा करूंगा। एक आपने सेट का क्वेश्चन किया होगा जिसमें बोलते हैं कि वो सारे बच्चे जिसने इंग्लिश, जो इंग्लिश जानता है, ऐसे बच्चों की संख्या 60 है। वो सारे बच्चे जो हिंदी जानते हैं और जो दोनों जानते हैं, तो हम कैसे करते हैं उसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हु नोज हिंदी प्लस हु नोज इंग्लिश माइनस हु नोज बोथ, माइनस करते हैं उस चीज को। ऐसा कुछ यहाँ भी हो रहा है, समझने की कोशिश करना आपको। लास्ट वाले में फिर से सोच तो ये बन रहा है 1260, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें से आपको क्या क्या माइनस करना है ये ध्यान से सोचो, ना तो ए साथ में ना तो आर साथ में, यानी कि ए साथ में या आर साथ में होना चाहिए। तो जब ए साथ में या आर साथ में होगा तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिसमें ए और आर साथ में हो? तो या तो ए साथ में या तो आर साथ में माइनस ए और आर दोनों साथ में, मतलब ए और आर का यूनियन हो रहा है तो यही आएगा ना। तो जो हम ए साथ में ले रहे हैं वो ये है, आर साथ में ले रहे हैं वो भी यही है। और जब ए और आर दोनों साथ में हो तो उसके लिए कितने तरीके आए थे? आर आर ऑल्सो टूगेदर फैक्टोरियल 5, तो ये फैक्टोरियल 5 इसमें माइनस होगा और ये पूरा इसमें माइनस होगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है अभी? नहीं आ रहा है, कोशिश करो, ये गलत है, इसको ठीक करना पड़ेगा। जब हम ए साथ में लेंगे और हम बोलेंगे आर पे कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या ऐसा केस नहीं आएगा जिसमें दो आर साथ वाला भी उसके साथ आ जाए? जैसे मैंने बोल दिया हाँ। कि आर पे कोई कंडीशन नहीं है, तो सिर्फ आर ए साथ में है, आ ही जाएगा, तो आएगा ना कभी ना कभी हाँ। आर भी साथ में आ जाएगा क्योंकि हम इस पे कोई भी वो नहीं कर रहे, तो कभी ना कभी आर भी साथ, हम एक ही काउंट करेंगे, मतलब उसको रीअरेंज नहीं करेंगे, लेकिन आर साथ में तो आ ही जाएगी। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2 तरीके में ऐसे तरीके भी होंगे जिसमें ये आर और आर साथ में होगा, तो वो चीज ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, इसमें जिसमें आर आर साथ में है, और जिसमें अब यहाँ पे मैंने कौन सा केस लिया जिसमें आर साथ में होगा और ए का कुछ नहीं पता, लेकिन आर साथ रखने के बाद कुछ ऐसे वर्ड भी बनेंगे जिसमें ए भी साथ में हो, तो इसमें भी आर साथ वाला आ जाएगा और ए भी साथ वाला आ जाएगा, और इसमें भी आर साथ वाला आ जाएगा ए भी साथ वाला आ जाएगा। इसलिए एक ऐसा केस जिसमें ए और आर दोनों साथ में है उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम करते हैं ये पार्ट, हमने ए लिखा फिर हमने बी लिखा, ये ए है ये बी है, दोनों को लिख दिया, तो ये वाला पार्ट दो बार लिखा जा चुका है, जो ए और बी में कॉमन है ये दो बार लिखा जा चुका है, इसलिए हम एक बार इसके इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं ताकि ये यूनिफॉर्म बन जाए कंप्लीट। तो मुझे इसी कंप्लीट को माइनस करना है, तो एन ए प्लस एन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी फैक्टोरियल 5 है, ये कंप्लीट आंसर है। यानी कि फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5 कितना होगा? 720, हाँ 720 माइनस 120 660। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है,
करिए एक बार फिर से। हाँ सर, ये यूनियन का लेके मैंने आपको समझाया है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, अभी बेकार भी कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो सबसे पहले टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, इसमें से क्या माइनस करना है, जिसमें या तो ए साथ में हो या तो आर साथ में हो, मतलब ये माइनस करना है इसमें, या तो ए साथ में या तो आर साथ में, सिर्फ ए सिर्फ आर और इसमें दोनों, तो वो नंबर यही आएगा जिसमें दोनों ए साथ में हो, जिसमें दोनों आर साथ में हो, इसमें ये वाला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है जिसमें ए और आर दोनों साथ में हो, इसलिए एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आंसर आ गया फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस, ये हो गया 2 टाइम्स फैक्टोरियल 6, ये हो गया फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5। तो ये आंसर ये सही है ना सर? आपने सर पहले बार और एक फैक्टोरियल 5 बोले थे ना? नहीं, फैक्टोरियल 5 एक ही है ना यार, जब हम ए और आर दोनों को साथ ले लेंगे तो ए और आर दोनों साथ में, ऐसे कितने वर्ड बनेंगे, ऐसे टोटल वर्ड फैक्टोरियल 5 ही बनेंगे जिसमें ए और आर दोनों साथ में हो, जबकि हम सिर्फ ए को साथ में लेंगे उसमें भी ये वाला इंक्लूडेड होगा, और सिर्फ आर को लेंगे उसमें भी डबल ए वाला इंक्लूडेड होगा। तो जिसमें ये दोनों साथ में वो तो फैक्टोरियल 5 ही है, वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा, समझिए। एक बार सर, दो बार नहीं ले सकते ना यार, डबल ए डबल आर को दो बार ले लिया आपने, इसलिए को माइनस करना पड़ेगा। फिर से आप तसल्ली से करके देखना, सेट के कॉन्सेप्ट को ध्यान लगा के तुरंत आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 7 बाई ये कितना आंसर आ रहा है, ये 1260 माइनस फैक्टोरियल 6 यानी कि 720 माइनस 120, ये कितना है 006, माइनस 600 करना है आपको 1260 में से, कितना आ गया 660, यही आंसर है, ये 100% सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। सर एक बात पूछो। हाँ सर, आप आनंद कुमार के पास पढ़े हैं? नहीं, मैं जानता हूँ उनको, मतलब मैं वहां पे गया हूँ, मैं उनको देखा है। क्यों, ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही सर। नहीं, ऐसे ही क्या होता है, ठीक है, नहीं उनके पास नहीं पढ़ा, वहां पे बहुत सारे टीचर है, पटना पटना में गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए कॉम्बिनेशन। तो आज हमारा कॉम्बिनेशन शुरू हो गया। अब हम कॉम्बिनेशन करने के बाद में हमारे पास क्वेश्चन का रेंज है वो बढ़ जाता है। तो हम कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को जो हमारे साथ आ जाता है, हमारे हथियार बढ़ जाते हैं एक्चुअली में। एक तो डराने वाली बात है, क्वेश्चन का रेंज बढ़ जाएगा, बच्चे सोचेंगे अभी और ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा और प्रॉब्लम होगी, नहीं, और आपके हथियार मिक्सचर हो जाएगा, हथियार बढ़ जाएंगे आपके पास किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, तो आप और अच्छे से सोच पाओगे किसी भी, जैसे इतने सारे क्वेश्चन हमने किया उसमें कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट यूज करके और आसान हो सकता था वो, तो ये अच्छी बात है। कॉम्बिनेशन आपके पूरे चैप्टर के लिए अच्छा होगा, आप अगर इसको अच्छे से समझते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम अगर दो चीजों को अरेंज करें, जैसे मान लो कि मैं दो चीजों को अरेंज कर रहा हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट ए टाइम, तो होता है NPR। जैसे अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट टेकिंग, अरेंजमेंट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट या 5 ऑब्जेक्ट टेकिंग 2 एट ए टाइम, क्या होगा 5P2, अरेंजमेंट ऑफ टू, अभी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ. जैसे हमें ABCDE है या ABC है, 3 ऑब्जेक्ट्स ही है, 3 ऑब्जेक्ट्स में दो को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, तो हमने क्या ले लिया AB ले लिया, AB हाँ. फिर ले लिया BC, फिर ले लिया AC, फिर ले लिया BA, फिर ले लिया CB, फिर ले लिया CA, टोटल 6 तरीके हैं, आपको पता भी है। हाँ. कि यहाँ पे 3P2 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 2, यानी कि फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 1,
कितना हो गया, 6 तरीके हो गए। तो 6 वेज आर देयर जिसमें हम 2 को, 3 में से 2 को लेके अरेंज कर सकते हैं, इसमें 6 तरीके हैं, ठीक है। हाँ। अब मैं आपको बात करता हूँ कि हम 3 भाई लोग हैं या 3 दोस्त हैं, ए बी सी उनका टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ है, बैडमिंटन खेलने के लिए एक बार में हमारे पास 2 ही रैकेट है, तो हमें कितने तरीके से हम उनको बैडमिंटन खिला सकते हैं ये हमें सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला सर हमने कॉम्पिटिशन पढ़ रखा है, हम 3P2 कर देंगे और हम बता देंगे सर एक ए बी हो गया, एक हो गया बी सी, एक हो गया बी ए, एक हो गया सी बी, एक हो गया ए सी और एक हो गया सी ए। तो बोलेंगे 6 तरीके से हम लोग खेल सकते हैं। पर सर बैडमिंटन खेल रहे हैं तो ए बी खेले और बी ए खेले, एक ही तो है, एक ही बात है। तो यहाँ पे ए बी और बी ए जो हम अलग अलग मान रहे थे परमुटेशन में, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन बदल गया है, वो बोल रहे हैं कितने तरीके से हम लोगों को खिला सकते हैं। तो ए बी, ए और बी को हमने क्या किया, ए बी सी में से चुना, बी और सी को क्या किया, ए बी सी में से चुना। तो आप बोलो सी और बी को चुन लो, या आप ये बोलो बी एंड सी को चुन लो, एक ही बात है। हाँ। यानी कि इस केस में बी सी का अरेंजमेंट नहीं करना, सिर्फ चुनना है, बी सी और सी भी एक ही बात है, बी और ए भी सिर्फ एक माना जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ रहा है। 16 प्लेयर में से आप 11 प्लेयर को चुनते हो, तो आप 16P11 नहीं कर सकते। या फिर अभी दो प्लेयर में आप समझ पा रहे हो ना कि हमें कोई भी 2 प्लेयर सेलेक्ट करना है। हाँ। 2 प्लेयर को अरेंज नहीं करना है। अब 11 प्लेयर हमने चुन लिया, उसमें सबसे पहले रोहित शर्मा और लोकेश राहुल, फिर विराट कोहली, फिर 11 लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब विराट कोहली को पहले लिख देंगे और बाकी 10 प्लेयर वही होंगे जो इस प्लेइंग 11 में थे, तो क्या सिलेक्शन बदल जाएगा? कभी हमें लिखना पड़ेगा कैप्टन को नंबर 1 पे, और कभी हमें बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, कभी ऐसा आ जाए कि हम बॉलिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, टॉप बॉलर से लेकर नीचे तक जाते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन है प्लेइंग 11 का वो तो वही है ना। हमें यहाँ पे 16 में से 11 लोगों को अरेंज नहीं करना, 16 में से 11 लोगों को सेलेक्ट करना है। इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिसमें सिर्फ सिलेक्शन वर्क करता है और वो आपस में कैसे अरेंज है उस वो मैटर नहीं करता। तो कॉम्बिनेशन इज बेसिकली कॉम्बो कितना बन रहा है, ऑर्डर से मतलब नहीं है, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या होता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन तो अब आते हैं आगे इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। तो हम बात करते हैं इस पे कि जैसे हम बात करते हैं कि n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है टेकिंग r एट ए टाइम, तो हम npr कर देते हैं। 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो 3p2 कर देते हैं। लेकिन अब अगर हमें सेलेक्ट करना हो 3 में से 2 ऑब्जेक्ट को, तो हम 3p2 ना लिख के 3c2 लिखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आउट ऑफ 2, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आउट ऑफ 3, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आउट ऑफ 3, इसको लिखेंगे यहाँ पे, लिख लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आउट ऑफ 3, या फिर लिखेंगे सेलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 3। इसका मतलब 3c2 का मतलब सेलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 3। सो 3p2 और 3c2 कैसे रिलेटेड है ये हम लोग अभी देखेंगे। सो आप सबको पता है अभी 3p2 हमने यहाँ कैलकुलेट यहाँ लिखा हुआ था, 3p2 क्या था हमारा, फैक्टोरियल 3 बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यही होता है 3p2, और ये 6 आ जाता है। और 3c2 में तो 3 ही तरीके हैं, यानी 3p2 में अगर हम 2 से डिवाइड करें तब मेरे को 3c2 मिलेगा, यानी कि 3p2 में फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करने पर 3c2 मिलता है। तो एक बार लिखें यहाँ पे फैक्टोरियल 3, 3p2 को लिखा जा रहा है बाई 3 माइनस 2 इंटू 2, यही होगा 3c2। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 3 एनसीआर को फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर देंगे अगर, सॉरी एनपीआर को फैक्टोरियल आर से डिवाइड करेंगे तो एनसीआर मिलेगा। 3p2 और 3c ऐसे ऐसे कनेक्ट कीजिए, वहां से एन और आर को 3 और 2 से कनेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे आप एनसीआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एनपीआर बाई फैक्टोरियल आर, ये एक फॉर्मूला हो गया। और साथ में क्या लिख सकते हैं, एनपीआर को जो लिखते हैं वो तो लिख ही दीजिए, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, और जो फैक्टोरियल आर नीचे आया वो भी, ये बन गया एनसीआर। तो एनसीआर का डेफिनेशन ये हो गया, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये है एनसीआर।
और ये है बी ए बी एन सी आर है। तो एन पी आर का डेफिनेशन क्या होता था, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये इसमें फैक्टोरियल आर डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई हो गया तो वो एन सी आर बन गया। ये जो सपोज यहाँ पे ऑर्डर था जो दो ऑब्जेक्ट था तो हमने फैक्टोरियल टू से डिवाइड किया, अगर तीन ऑब्जेक्ट को साथ लेना होता तो फैक्टोरियल थ्री से डिवाइड करना पड़ता। आप समझो इस चीज को, सपोज आपके चार ऑब्जेक्ट थे ए बी सी डी, इसमें से कोई भी तीन तीन लेके आप अरेंज कर रहे हो तो मैं भी करके दिखा देता हूँ, फिर आपको ये एकदम दिख जाएगा कि हो क्या रहा है। ए बी सी डी हमने क्या लिया, ए बी सी, फिर ए बी डी, फिर बी सी डी, फिर ए सी डी, ये हो गए। अब ए बी सी में ये हो गया ए सी बी, फिर ए सी बी, फिर बी ए सी, ऐसे कर करके इसी में आपके फैक्टोरियल थ्री बन जाएंगे, यानी कि छह तरीके से आप इसको अरेंज करोगे, यहाँ भी छह, यहाँ भी छह, यहाँ भी छह, टोटल 24 तरीके होंगे ए बी सी डी में से तीन को चुनने के, यानी कि थ्री पी टू फोर पी थ्री करेंगे आप, इनमें से तीन तीन को लेके अरेंज करेंगे तो फोर पी थ्री आएगा, लेकिन अब मुझे इनमें से तीन को सिर्फ सेलेक्ट करना है तो फोर सी थ्री चाहिए, तो फोर सी थ्री में से कितने सिलेक्शन हो रहे, चार ही तो सिलेक्शन हो रहे, देख लो फोर सिलेक्शन, हाँ चार ही सिलेक्शन हो रहे और तो कुछ हो नहीं रहा, तो 24 से क्या डिवाइड करोगे आप, 24 से क्योंकि तीन है, एक बार में तीन ले रहे हो तो इसलिए फैक्टोरियल थ्री डिवाइड करोगे तभी तो चार आएगा, यही सब जो छह 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 एक्स्ट्रा ले लिया गया उसी को तो डिवाइड करोगे आप। हाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एनपीआर में फैक्टोरियल आर से डिवाइड करने पे एनसीआर मिल जाता है। आप अगर शांति से बैठ के इसको पूरा अरेंज करके देखोगे कि आपने इसको अरेंज किया तीन तीन को लेके, फिर आपको सेलेक्ट करना है किसी तीन को लेके, तो सिलेक्शन में चार ही आ रहा है और अरेंजमेंट में 24 आ रहा है, तो यानी कि जो सिलेक्शन है इन सब इनको छह बार काउंट कर लिया गया है तीन ही को, मतलब राहुल मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली और ईशांत शर्मा, इन तीनों को सेलेक्ट किया गया और फिर इन तीन को ऐसे ऊपर नीचे कर करके छह काउंट कर लिया गया, कभी वो आगे कभी वो पीछे कभी ये कभी वो, उन सबको फिर यानी छह आपको डिवाइड करना पड़ेगा छह से, यानी फैक्टोरियल थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर चार चार को लेकर सेलेक्ट करोगे, सपोज पी क्यू आर एस आपने लिया ले रखा है और इसको आप 24 मान के चलोगे, लेकिन वो तो एक्चुअली चार ही है क्योंकि आप अरेंज करके आप उसको 24 बता रहे हो, लेकिन एक्चुअली में सिलेक्शन में तो वो चार ही है, इसलिए आप उसको 24 से डिवाइड करोगे, क्योंकि जब भी पी क्यू आर एस आएगा आपने उसको 24 काउंट किया होगा तो उसको तो चार ही काउंट करना है, तो आप उसको क्या करोगे फैक्टोरियल फोर से डिवाइड करोगे, यानी कि जितने ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन होगा उतने से ही डिवाइड किया जाता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एन पी आर तो पहले कर लोगे अरेंज और उसके बाद जितने ऑब्जेक्ट हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि सिलेक्शन में यही चीज एक्स्ट्रा ले ली गई है इसलिए उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एन पी आर बाई फैक्टोरियल आर इज एन सी आर, यस। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने, लिंक भी डालना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन आपको याद होगा सक्सेस को एक और तरीके से करते हैं, ये डबल सी है, ये यू है, ये ई है, अब ट्रिपल एस है, ये तीन तीन ऑब्जेक्ट हैं, तीन को आपने प्लेस कर दिया तो फैक्टोरियल थ्री तरीके से आपने इसको प्लेस कर दिया। अब क्या एस 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 है हमारे पास, थ्री एस है यहाँ पे, ठीक है, तो थ्री एस के लिए आपके पास प्लेसेस कितने हैं, वन टू थ्री फोर, आपका काम है सिर्फ चार प्लेस को चुनना, चार में से तीन प्लेस को चुनना, एक दो तीन, एक दो तीन, कोई भी तीन प्लेस को चुनना आपका काम है। तो अब आपके पास परमुटेशन का झंझट नहीं है, आप सीधा आप क्या करोगे चुन लोगे, यानी फोर में से कोई भी तीन प्लेस चुन लोगे, फोर सी थ्री, बस जितने तरीके से आप इसको चुन सकते हो उसी पे आप एस को सीधा पुट कर दोगे। अब यहाँ पे पी का झंझट ही खत्म, अब यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं करना, चुन के अरेंज नहीं करना, वही मैंने कहा था कि अगर आप फोर पी थ्री कर भी लेते हो कोई बात नहीं, अब इसको सिलेक्शन बनाना है क्योंकि आपने ये तीन लिया है और फिर आप इसको उलट पुलट करके अलग अलग मान रहे हो, लेकिन यहाँ तो अलग अलग जैसी बात नहीं है क्योंकि सबके सब एस ही है। अगर ऐसा होता जैसे सक्सेस मैंने लगा दिया, ठीक है, सक्सेस के बदले कुछ और होता,
यहाँ पे तीन लेटर अलग अलग होते, एक बड़ा एस, एक छोटा एस और एक बहुत बड़ा एस, एस वन एस टू एस थ्री ऐसा होता, और हमें माना मानना होता कि ये तीनों एस अलग अलग हैं, लेकिन एस हैं, एक येलो पे है, एक ब्लू पे है, ग्रीन पे है, और हमें जब जो भी जहां लगेगा अलग अलग अरेंजमेंट हो जाएगा। उस केस में हम ये 4C3 नहीं करते, और अगर 4C3 करते तो हम प्लेस चुन चुके तीन, अब उसमें फिर से हम फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपस में अरेंज कर सके, या डायरेक्ट 4P3 कर देते, क्योंकि इस केस में हमें इसके अरेंजमेंट से फर्क पड़ता है, लेकिन अगर ट्रिपल एस हो तो अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता है। वही आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन करना है या सेलेक्ट या फिर कॉमोटेशन करना है, यहाँ पे मेरे को इसके अरेंजमेंट से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो अगर ट्रिपल एस है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमने मेंशन कर दिया कि ये सारे एस अलग अलग कलर के हैं तो जरूर आपको फर्क पड़ता है। तो हर एक केस में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। चलिए इसको डाइजेस्ट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। और इंक भी कम हो गया है। एक प्रूफ कीजिए, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सीआर। इसको प्रूफ कीजिए, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सीआर। जो डेफिनेशन सीखा आपने विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रेट, आप उसको प्रूव कर सकते हैं। और एक और है NCR is equal to NCN minus R, ये दोनों रिजल्ट आप प्रूव कीजिए। देखो पहले यही कर लेते हैं, सेकंड वाला एनसीआर का क्या होगा फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, यही तो होता है। और एनसीएन माइनस आर का क्या होगा, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, तो n माइनस r, ये हो गया फैक्टोरियल r और ये हो गया n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये दोनों सेम ही तो हो गया।
एनसीआर और एनसीएन माइनस आर सेम होता है क्योंकि यहाँ एन माइनस आर हो रहा है फैक्टोरियल आर है, एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, एन माइनस आर फैक्टोरियल आर, तो सेम हो जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, यानी कि अगर कोई बोले 5C2 is equal to 5C3, 5C2 is equal to 5C5 minus 3, 10C1 to 10C9 करके देख लो, दोनों का एकदम सेम आएगा, ठीक है। NC1 is equal to NCN minus 1, NC2 is equal to NCN minus 2, सेम होता है, सिंपल है। दूसरा देखिए, इसका इसको बाद में करेंगे, पहले ये देखो, NCX is equal to NCY, अगर ऐसा हो this imply X और Y equal है, अगर NCX और NCY equal है तो X और Y equal होगा, तो एक केस तो ये बनता ना कि X और Y equal होगा। हाँ। दूसरा केस क्या बन सकता है सोचो, NCY को मैं लिख सकता हूँ NCN minus Y, अभी हमने देखा है NCR is equal to NCN minus R, तो NCY is equal to NCN minus Y, और इधर किसके इक्वल है, NCX के, सर समझ नहीं आ रहा, NCR is equal to NCN minus R, तो NCR is equal to NCN minus R, तो NCY is equal to NCN minus Y, सिंपल। वो राइट साइड समझ में आ गया, हाँ ठीक है ठीक है, और लेफ्ट में जैसे है वैसे ही छोड़ा हुआ है। हाँ हाँ। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, x और n माइनस वाई इक्वल होगा तभी तो ये इक्वल हो सकता है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू n होगी। इसका क्या मतलब है कि अगर ncx और ncy आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये होगा या तो x और y इक्वल होंगे या x प्लस वाई n के इक्वल होगा, यही दो चीजें हो सकती है, या हाँ। तो x इक्वल टू y या x प्लस y इज इक्वल टू n, x प्लस y इक्वल टू n कैसे होगा ये हमने प्रूफ कर लिया, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। जैसे आपने देखा ना 5C2 और 5C3 इक्वल है, तो 2 और 3 का सम 5 नहीं हो रहा है, हाँ। 10C1 और 10C9 इक्वल है, तो 1 और 9 का सम भी 10 हो रहा है, NC1 और NCN माइनस 1, N माइनस 1 और 1 का सम N हो रहा है, 2 और N माइनस 2 का सम N हो रहा है, या तो 5C2 5C2 का इक्वल हो सकता है या तो 5C3 के इक्वल हो सकता है, 10C1 या तो 10C1 के इक्वल होगा या तो 10C9 के इक्वल होगा, यही बात कही जा रही है और कुछ खास बात नहीं है, छोटी सी बात है। अब इस पे बात करो, इसको प्रूफ जो कर रहे थे, अब शायद कुछ हेल्प मिले या फिर मैं इसको स्ट्रेट बता ही देता हूं। तो यहाँ पे NCR NCR माइनस वन, तो सबसे पहले NCR का फॉर्मूला लिखा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r प्लस अगेन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस वन फिर n माइनस r प्लस वन या n माइनस r माइनस वन का फैक्टोरियल, ये है। तो अब ये किसके इक्वल होगा, ये हम सिर्फ LHS लेके चल रहे हैं, फैक्टोरियल n, अब इसमें से कॉमन निकालो, क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो, फैक्टोरियल n बाहर, r माइनस वन और r में फैक्टोरियल r माइनस वन बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि ये इसके अंदर r माइनस वन फैक्टोरियल है, r माइनस वन छुपा है, छुपा हुआ है। एन माइनस आर फैक्टोरियल में क्या कॉमन निकाला जा सकता है, यहाँ पे एन माइनस आर प्लस वन है, एन में से आर माइनस वन घटाया गया और इसमें से एन में से आर घटाया गया, यानी कि फाइव में से टू घटाया गया और फाइव में से थ्री घटाया गया, कौन बड़ा है, फाइव में से ज्यादा घटाया गया वो छोटा हो जाएगा, और जो यानी कि यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वन और बाई आर प्लस यहाँ पे वन और यहाँ पे आर माइनस वन तो ले चुके हो, यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ रह जाएगा आर माइनस एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। हाँ हाँ। अब आगे बढ़िए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर
by r into n minus r plus 1. देखो आगे क्या हो रहा है, तो r से r कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ऊपर में n plus 1, और इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है, फैक्टोरियल n के साथ, n factorial. और डिनोमिनेटर में इट इज r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. तो r माइनस 1 फैक्टोरियल r के साथ मिलके क्या बना देगा, r फैक्टोरियल. सो डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल, यहां पे n माइनस r में एक r माइनस 1 प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, और ऊपर n प्लस 1 का फैक्टोरियल. अब आप करके देख लो, यहाँ पे है n प्लस 1 का फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, फिर n प्लस 1 माइनस r, देख पा रहे हो आप, n प्लस 1 माइनस r, यही तो है ये. तो ये हो गया आपका n प्लस 1 सी आर, n प्लस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और इसमें से इसको माइनस करो, n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, तो प्रूव हो गया. इसका मतलब है कि अगली बार मैं आपको बोलूंगा 5c2 प्लस 5c1, आंसर क्या लिखोगे, देखो ncr दोनों n है, तो जो हायर पावर है जो नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे जो ज्यादा है उसको पे लिख देते हैं आप, तो c2 हो गया, सिक्स c2. फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे rc3 प्लस RC4, क्या होगा आंसर, तो 2RC3, तो 2RC4, R प्लस 1C4, R प्लस 1C4, 10C8 प्लस 10C9, क्या होगा आंसर, 11C9. ठीक है, समझ गए, आसान है. 2RC1 प्लस 2RC2 क्या होगा, 2R plus 1C2. ठीक है, बस बहुत ही यूजफुल है ये वाला, बहुत ही यूजफुल है, बाइनोमियल भी यूज आएगा, अभी ये भी यूज आएगा. चलो, तो C का मतलब समझ गए आप थ्योरेटिकली, और यहाँ भी आपने देख लिया जो मैथमेटिकल इसका एप्लीकेशन है वो आपने देख लिया, और भी इसमें कुछ देखने को मिलेगा. जैसे मैं 5C2 लिखता हूँ, तो 5C2 लिखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कि आपने बिना फॉर्मूला का यूज किया उसको बना सकते हो. जैसे 5C2 लिखोगे तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, यही लिखोगे आप, तो फैक्टोरियल 5P2 में क्या लिखते थे आप, 5 × 4, इतना लिख देते थे. C2 में क्या करना है आपको, बस फैक्टोरियल 2 तक का नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा. ये देखो, ये कट के हो गया ना 5 × 4, और नीचे फैक्टोरियल 3 है, ये हो गया 5 × 4, फिर नीचे फैक्टोरियल 2 है, 1 × 2 हो गया. मैं क्या कह रहा हूँ आप नहीं समझ पाए अभी, रुको एक सेकंड. हाँ सर, समझ पाए. जैसे मैं लिखता हूँ NC2, तो आप लिखोगे सीधा n × n−1 बाई 1 × 2, बस डायरेक्ट. NP2 में क्या लिखते थे, सिर्फ n × n−1 लिखते थे, n × n−1. अब C करने के लिए क्या करना है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया, यानी NP2 में फैक्टोरियल R से डिवाइड करना है, ये तो आपको याद ही है. तो अगर हम 10P3 को क्या लिखेंगे, 10P3 को क्या लिखेंगे, 10 × 9 × 8, तो 10C3 को क्या लिखेंगे, 10 × 9 × 8 by 1 × 2 × 3, factorial 3. इस तरीके से हम बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर सकते हैं. 2RC3 कैसे लिखेंगे, 2 या 2NC3 कैसे लिखेंगे, 2N × 2N−1 × 2N−2 by factorial 3, यानी कि 1 × 2 × 3. ठीक है, आप लोग अपना खाना पीना खाओ, नेक्स्ट क्लास के लिए भी आपको जाना होगा, इसको यहीं पे एंड कर. सर आपका ये, हाँ आपका ये टेक्निक बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू. कौन सा टेक्निक,
और सर पढ़ाने का। चलो अच्छा यार, बहुत अच्छा सर, अच्छी तरह से समझ आता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और भी कभी नहीं आए तो बताना, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।